हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। हेलो दोस्तों, आज कस्टमर हमारे पास में डेल का लैपटॉप लेकर आए हैं। ये डेल का लैपटॉप बहुत ही अच्छा लैपटॉप होता है और ये अच्छी स्पीड भी देता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस लैपटॉप पर पानी गिर गया था और पानी गिरने के बाद कस्टमर ने इसे तभी ऑन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इसके मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया और इसके बाद लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। हम अपनी वीडियो में आपको यह बताते रहते हैं कि अगर आपके लैपटॉप पर पानी या कोई लिक्विड गिर जाए तो कभी भी इसे तुरंत ऑन करने की कोशिश मत करना और सबसे पहले उसकी बैटरी को रिमूव कर देना। उसके बाद लैपटॉप को 2 से 3 दिन धूप में सुखाना और उसके बाद सर्विस सेंटर पर उसकी क्लीनिंग करवाना और वहीं पर उसको ऑन करना। अगर कभी आपके लैपटॉप पर भी पानी गिरा हो या कोई लिक्विड डैमेज हुआ हो तो उस कंडीशन में आपने क्या किया था, कैसे आपने अपने लैपटॉप को हैंडल किया था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब हम इस लैपटॉप के मदरबोर्ड को खोलेंगे और देखेंगे कि इसके किस पार्ट में समस्या आ रही है। हम लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करने में नंबर वन हैं। अगर आपके लैपटॉप में भी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर लैपटॉप पर कोई लिक्विड गिर जाता है और उसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता तो ऐसे लैपटॉप बहुत ही कम लोग रिपेयर कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बेस्ट सर्विस सेंटर पर ही जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत ही कम सर्विस सेंटर वाले रिपेयर कर पाते हैं। हम दिल्ली NCR में लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करने में नंबर वन हैं और हमारे पास में बहुत दूर दूर से कस्टमर अपना लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए आते हैं। अगर कस्टमर खुद नहीं आ पाते हैं तो वह अपना लैपटॉप कोरियर के थ्रू भेज देते हैं। अगर आपके लैपटॉप में भी कुछ इस तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।